everyone. So welcome or welcome back to the Shikhar Singh channel. So आज की वीडियो मैं करने वाली हूँ कुछ Welcome and welcome back to my channel. So my name is Shikha. So कैसे हैं आप सभी लोग? I hope सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे. मैं भी अच्छी. So आज की वीडियो होने वाली है कुछ उन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो सिर्फ आपको 200 के अंडर मिल जाते हैं. तो आज मैं जो लुक करने वाली हूँ वो लुक सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं करने वाली हूँ जो आपको मार्केट में 200 रुपीज में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं. 200 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट एग्जैक्टली आपको 200 के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. सो प्रोडक्ट के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं. तो कैसे मैंने ये मेकअप अचीव किया है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. अगर मेरा मेकअप लुक आपको पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है नीविया क्रीम. ये मॉइस्चराइजर का काम करेगी और आपके स्किन के टेक्सचर को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देती है. आपके स्किन के सरफेस को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देगी. ये काफ़ी अफोर्डेबल है, इजिली आपको 200 के अंडर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर. काफ़ी अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल है और ये आपके टेक्सचर को, स्किन के टेक्सचर को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देता है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपके स्किन पर. नेक्स्ट यहाँ पर यूज करने वाली हूँ मैं इनसाइड का कलर पैलेट. यहाँ पर आपको करेक्टर के साथ काफी सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये, आपको 200 के अंडर में आराम से मिल जाएगा किसी भी स्टोर पे. अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. तो इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. ब्लेंड आउट करेंगे आप स्किन पे तो स्मूथली हो जाएगा. तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पे जहाँ पे मेरा डिस्क्लेरेशन है उस पर अप्लाई कर लिया है एंड मैं उसको स्पॉन्ज की हेल्प से जो है सेट आउट कर रही हूँ. नेक्स्ट बारी आती है हमारे फाउंडेशन की. तो यहाँ पर मैंने लैक्मे का फाउंडेशन लिया है. ये बहुत पहले चलता था फाउंडेशन बट मैंने इसको दोबारा से परचेस किया है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट तो है ये और अफोर्डेबल भी है साथ में. तो मैंने अपने फुल फेस को इससे कवर अप कर लिया है. यस, मैंने जो कंसीलर पैलेट यूज़ किया था उससे मैंने थोड़े और कवरेज के लिए उसको पूरे फेस पे हल्का हल्का अप्लाई कर लिया था ताकि मैं जो फाउंडेशन लगाऊं वो अच्छे से और कवरेज दे मेरे फेस पे. तो यहाँ पर मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई किया है. काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाता है. तो यहाँ पर मैं अपने फेस को एक ब्रश की हेल्प से जो है उस फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ और अच्छे से सेट कर रही हूँ. प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर नेक. तो नेक को भी मैं यहाँ पर कवर अप कर रही हूँ और जिस तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्रश को. हाँ, वीडियो थोड़ी फास्ट है इस वजह से आपको लग रहा होगा बट मैंने बहुत ही लाइटली किया है. एज यू कैन सी कि काफ़ी अच्छा कवरेज आ गया है मेरे फेस पर. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सेम उसी पैलेट से लाइट कलर लिया है, लाइट कंसीलर लिया है और मैं अपनी अंडर आई को हाईलाइट कर रही हूँ. जो भी मेरे हाईलाइट्स पॉइंट हैं मैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ. तो आप देख सकते हैं मैं उसी पैलेट से जो है यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ. आप एक सिंपल से पैलेट से काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपने फेस पे. ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से पैलेट लें. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने SFR का ब्लश पैलेट लिया है. इसमें आपको ब्लश, हाइलाइटर, ब्राउन्जर आराम से मिल जाता है. आप देख भी सकते हैं कि मैंने इसी पैलेट से ब्राउन्जर जो है मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है क्योंकि मुझे ये वाला पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है. ये पैलेट समथिंग आपको 230-200 के आसपास मिलेगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये वाला पैलेट क्योंकि काफ़ी अच्छा है और आपको इसमें सब चीज़ मिल जाती है. हाइलाइटर भी आपको इसी में मिल रहा है, आपको ब्लश भी मिल रहा है. ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं. मिनी पैलेट है, आप अगर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो आप इस पैलेट को आराम से यूज़ कर सकते हैं. सेम इसी पैलेट से मैंने ब्लश यूज़ करा है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ. ये एक आईब्रो पेंसिल है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं. ये ब्रांड मेरे को याद नहीं है, मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने ये कौन सा ब्रांड का आईब्रो पेंसिल यूज़ करी है. शायद कलर बार की है शायद ये. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सेम उसी पैलेट से जो है कंसील किया है अपनी आईज़ को ताकि मैं जो भी कलर लगाऊँ वो काफ़ी अच्छे से पॉप अप हो गया है. मेन क्या होता है, हमारे को अपने कलर हाईलाइट करने होते हैं आईज़ के, इसीलिए हम अपने आईज़ को क्लीन करते हैं. यहाँ पर मैंने हिलेरी रोडा का काफ़ी अच्छा पैलेट है ये और ये भी आपको 200 से थोड़ा सा ऊपर है ये. और यहाँ से मैंने ये लाइट पिंक लिया है, ये मेरा आज का ट्रांजेक्शन शेड है. काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इस वाले आई शेडो पैलेट की. तो यहाँ पर
लाइट पिंक के बाद मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक लिया है, मैं आउट ऑफ वी में उसे अप्लाई कर रही हूँ और मैंने स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है। फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने जो पिंक शेड लिया है डार्क, उसको मैं स्मज कर रही हूँ अपने ट्रांजेक्शन शेड के साथ, ताकि वो अलग अलग ना लगे, एक जैसा लगे। बट हाँ, आपको लाइट शेड भी अलग ही रखना है, आपको मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये ब्लू शेड लिया है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है आपके पिंक को, आपके रेड को, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पिंक शेड लिया है। और जहाँ पर हम आईलाइनर लगाते हैं वहीं पर ही मैंने इस ब्लू शेड को लगाया है। उसके बाद मैंने एक बड़ा वाला फ्लफी ब्रश लिया है, मतलब नॉट दैट मच बड़ा वाला, बट थोड़ा सा बड़ा, तो उसको मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ अपने पिंक शेड के साथ, ताकि सिमिलर लगे। यहाँ पर इसी पैलेट से मैंने गोल्डन शेड लिया है और अपने आइस के मिड लिड पे जो है मैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, मैं यहाँ पर कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईलाइनर और मैं इसी आईलाइनर को आज अप्लाई करने वाली हूँ। ये भी आपको 200, आई थिंक ये 150 से ऊपर का है और 200 से नीचे का है आईलाइनर, तो इसी को अप्लाई करेंगे आज हम और एक छोटा सा विंग जो है क्रिएट करेंगे यहाँ पर। और मैं बहुत ही थिन आईलाइनर लगा रही हूँ अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने ब्लू शेड दिया है तो इसीलिए। नेक्स्ट बारी आती है हमारे काजल की, तो आज व्हाइट काजल मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे मेरी आईज थोड़ी बड़ी बड़ी लगेंगी। तो मैंने थोड़ा सा ब्लू शेड लिया था और एक स्मॉल पेंसिल ब्रश लिया और उसी से मैंने हल्का हल्का जो है अपनी वाटर लाइन को फिल किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा लिया है, ओ माई गॉड, काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रस्ट मी, आप इसको यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है, 200 के अंडर अंडर मिल जाते हैं आपको सारे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सेम SFR के पैलेट से ही हाईलाइट किया है अपने पूरे फेस को, एज यू कैन सी कि मैंने अपने हाई पॉइंट्स को जो है अच्छे से हाईलाइट कर लिया है यहाँ पर। हमारे लिप्स की, तो यहाँ पर मिस क्लियर की मेरे पास ये रेड वाली लिप लाइनर है और इसी से मैं अपने लिप्स के आउटलाइन करूंगी। आती है हमारी लिपस्टिक की, तो यहाँ पर मैंने ये NYB की लिपस्टिक ली है इन दी शेड रोज रोमांस, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रही हूँ, काफ़ी ये डार्क हो जाएगा कलर, तो यहाँ पर फिंगर की हेल्प से ही जो लाइट जो है मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। चलो अब हेयर्स कर लेते हैं, तो हेयर्स मैंने कर्ल्स करने हैं, दिस इज माय फाइनल लुक। गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये लुक, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं कुछ और नया और डिफरेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।